bitch. Close, 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 close. Close him, close him. Come on, let's go. Aman ya Rabbi aman, aman ya Rabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Murat ne abi? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçirin dışarı. Yok. Lan insan vardı. Abi. İnsan vardı ya. तुर्की और सीरिया के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा भयावह साबित हो रहा है। सुबह 4:17 पर पहला भूकंप आया जिसका केंद्र ज़मीन से लगभग 18 किलोमीटर नीचे था और इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.6 रिक्टर स्केल थी और इस जलजले से नॉर्थ तुर्की और सीरिया में जो है वो लगभग कई इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोग सोए हुए थे और इसमें जो है मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ गया और अभी तक के मुताबिक कुल मिलाकर 1400 लोगों की मौत हुई है। दोपहर के समय दूसरा अर्थक्वेक आया उसी जगह पर जिसकी तीव्रता 7.8 रिक्टर स्केल की थी और इन दोनों अर्थक्वेक में जहां पर तुर्की और सीरिया में अभी तक कुल 1400 लोगों की मौत हो गई है और हज़ारों लोग घायल हैं। इस पूरे अर्थक्वेक में बताया जा रहा है कि लगभग 2000 के तकरीबन जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और हज़ारों लोग उस मलबे में दबे हो सकते हैं। विश्व के कई सारे देशों ने तुरंत रेस्क्यू टीमें जो हैं वो तुर्की और सीरिया की तरफ भेज दी हैं। भारत ने भी NDRF का जो एक टुकड़ी है छोटी उसको तुर्की और सीरिया के लिए भेजा है। आपको बता दूं कि US जियोलॉजिकल सर्वे ने ये कहा है कि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो 33 किलोमीटर नीचे गाज़ियान्टेप में जो मेजर सिटी है, प्रोविंशियल कैपिटल है, वहाँ पर वो उसका केंद्र था। और अभी तक के मुताबिक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। हालांकि वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे नहीं, काफ़ी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। पूरा विश्व इस समय जो है इन दोनों देशों के लिए जो है वो दुआएं मांग रहा है, कामनाएं कर रहा है कि जो भी लोग वहाँ पर हैं अब वो सुरक्षित निकलें। दूसरी बड़ी बात, वहाँ पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। जो पहला सुबह जो अर्थक्वेक आया था उससे कई बिल्डिंगें कमज़ोर हो गई थी जो कि 7.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था और उसी बीच जब दोपहर में दूसरा अर्थक्वेक आया 7.8 रिक्टर स्केल का, उसने उन तमाम इमारतों को भी गिरा दिया जो कि सुबह के अर्थक्वेक में पूरी तरह से हिल चुकी थी। और इस बीच कई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और चीख और जो पुकारें हैं वहाँ पर वो पूरी वो मची हुई हैं। और इस बीच जो तुर्की हो गया या फिर सीरिया हो गया, उन्होंने पूरे विश्व से जो है वो मदद मांगी है, वो सपोर्ट मांगी है, हेल्प सपोर्ट मांगी है कि इस नेचर क्लाइमेटी से उनको राहत दिलाने के लिए तमाम देश जो हैं आगे आए। फ़िलहाल अभी भी वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो बहुत गमगीन है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और इस बीच कई इमारतें जो इन दोनों अर्थक्वेक में काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं उनका भी अभी भी गिरने का खतरा जो है बना हुआ है। लोग इमारतों से बाहर हैं, खुले एरिया में हैं और बहुत सारे लोग अभी भी बचाव काम में लगे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस इमारत में वो काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने में लगे हैं, क्या उसके साथ वाली बिल्डिंग जो सेफ़ है कि नहीं और वो कब गिर जाए, इसका भी डर वही है। और इस बीच हज़ारों लोगों जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अस्पताल भी जो हैं वो मलबे के ढेर में बदल गए और आज का दिन जो है वो सीरिया और तुर्की के लिए बहुत भयावह जो है वो साबित हुआ है।